इस खबर के प्रायोजक हैं माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। नमस्कार, मैं श्रेया दो, आप देख रहे क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल पर दिन भर की सुर्खियां। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वो डॉक्टर ही है जो इंसान को मौत के मुंह से निकालकर नया जीवन दान देने का हर संभव प्रयास करते हैं। डॉक्टर्स के इसी योगदान के प्रति आभार जताने और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हमारे देश में हर साल 1 जुलाई के दिन राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हमारे नायकों के लिए अविश्वसनीय समर्पण और करुणा का सम्मान करने का दिन है। वे अपने उल्लेखनीय कौशल के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण जटिलताओं से पार कर सकते हैं। हमारी सरकार भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि चिकित्सकों को वह व्यापक सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के लोकप्रिय आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने धरती के भगवान डॉक्टर के लिए दिया संदेश। आज डॉक्टर्स डे है, विश्व डॉक्टर्स डे, इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे चिकित्सकों को? जो चिकित्सकों को भगवान मान के मरीज उनके पास जाता है लेकिन वो एहसास नहीं हो रहा डॉक्टरों को। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर का दर्जा जिसको प्राप्त हो, कहते हैं ना कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा प्राप्त है और उनकी सेवा से ही मानव जीवन की रक्षा होती है और ये बहुत पुनीत कार्य है। किसी भी बीमार व्यक्ति को, किसी भी असक्त को, अपाहिज को उसकी मदद करके, तो सेवा का इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं। हम दुनिया भर के और अपने विशेषकर समस्त हिंदुस्तान और अपने उत्तर प्रदेश के डॉक्टर बंधुओं को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने पेशे की गरिमा, पेशे का जो सम्मान है दुनिया में, उनको बचाए रखें, बनाए रखें, समाज की सेवा करते रहें और लोगों के लिए अपना सब कुछ वो हमेशा करते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, तो निश्चित ही मानवता की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। नेशनल डॉक्टर्स डे पर वाराणसी के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग टंडन को उनके पियरी स्थित टंडन नर्सिंग होम में वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी और उनकी टीम ने सम्मानित किया। बता दें कि डॉक्टर अनुराग टंडन ने नेत्रदान महाअभियान के तहत बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के बच्चे और सबसे अधिक उम्र के बुजुर्ग का नेत्रदान कराकर इतिहास रच दिया है। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन आज डॉक्टर और सी ए डे पर महिला व्यापार मंडल की हमारी बहने भाभियां आज सवेरे आकर जिस तरीके से हमको डॉक्टर से पे बधाई दिया है, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं इस सम्मान से ये एनर्जी मिलती है और ईमानदारी से और लगन से हम अपने प्रोफेशन को अच्छी तरीके से करें और जो हमसे हो सके मानव की सेवा, भगवान की सेवा कहा गया है। आपके सम्मान से जो मुझे आज हृदय से खुशी हो रही है, मैं सबको मैं उसका प्रयास नहीं कर सकता। मैं महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष आदरणीय सुनीता सोनी जी, प्रधानमंत्री जी, सभी इनके पदाधिकारी को दिल से साथ। Thank you.
YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक